हाय दोस्तों, मैं डेविड ग्वालियर। वीडियो की फिर से शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत भंदौली से। यहाँ पे एक महादेव मंदिर है, पहाड़ी पे मौजूद है। आज के इस ब्लॉग में हम आपको वो दिखाएंगे। और मेरे साथ हैं पप्पन भैया और अनुराग भाई और धीरू भाई। धीरू भाई फोटोग्राफी कर रहे हैं। आसपास की थोड़ी पहाड़ियाँ और वातावरण को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलते हैं दोस्तों। हमें जाना है इस रोड में, मिलते हैं आगे। पप्पन भैया, ए धीरू आजा भाई, निकलना अपने को आगे। मेरी फोटो खींच रहा है। ये जो जगह गाइस आप लोग देख रहे हैं, ये बदामना से पहले वाला रास्ता है। बदामना से कुछ दूरी पहले आपको लेफ्ट साइड में एक बोर्ड दिखेगा, वहां से हम लोग को नीचे अंदर मुड़ना है। और नज़ारा लगभग वैसा ही है जैसा बदामना रोड में हमने को देखने को मिला। चारों तरफ हरियाली है, सामने पेड़ है और अच्छी खासी रोड भी है। हाल ही में अभी पप्पन भैया ने हमें बताया है कि इसी गांव में उनके एक मामा जी का मकान भी है, मामा यहीं रहते हैं। तो दोस्तों पहले उन मामा जी से मिलते हैं, फिर आगे की यात्रा को पूरा करते हैं। हम लोग पहुंचे हैं इस अभी मामा के घर, पप्पन भैया के मामा के घर। ये नानी जी हैं, ये हमारे भाई हैं। देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, गांव की लाइफ कैसी होती है, संघर्ष भरी। अब धीरू भाई घुमाएंगे। अरे घुमाने दे, घुमाने दे, घुमाने दे, मेहनत करने दे, आलसी आदमी। अरे करने दे, नहीं करने दे रहा यार। चलो चलो चलो, यहाँ वही धीरू की भयंकर बेइज्जती। चलो 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 भैया, कितनी शानदार और सुंदर जगह है यार, मजा आ गया देखने में। कितना सुंदर होता है गांव। ये है कंडे, इसको चूल्हे में लगा के आग जलाते हैं क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लकड़ियां जला के, ये कंडे जलाते हैं। वाह यार अनुराग, मेरे को फीलिंग लग रही है वो शाहरुख खान वाली, तुझे देखा तो ये। और धीरू भाई कैसा लग रहा है आपको? धीरू की वही भयंकर बेइज्जती, चलाने ही नहीं दिया उसको। बहुत बढ़िया गांव है और बहुत सुंदर जगह है यार, मजा आ गया। चारों तरफ बेहतरीन हरियाली हरियाली है। चलो 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 चलो, मैं बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहूँगा इस जगह को कैप्चर करने में। मेरे सब सारे सब्सक्राइबर भाई है भाइयों के लिए। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक ठोक दें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए कितना अच्छा तवेला है, गाय बैले वगैरह यहाँ पर बंधी हुई हैं। और ये हमारे पप्पन भैया के मामा जी का घर। आइए दादा, सही बात कहूँ, स्वर्ग में रह रहे हो आप, स्वर्ग में रह रहे हो। हम लोग गांव में ये सब, मतलब शहर शहर के अंदर ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। बेहतरीन जगह पे रह रहे हो आप, एकदम बढ़िया शांत वातावरण, चारों तरफ हरियाली। वाह 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 वाह, पीछे पहाड़ भी है यार, क्या जन्नत है भाई। लोग तरसते हैं ऐसी जगह देखने के लिए। ये हमारे मामा जी। तो दोस्तों थोड़ा बैठते हैं, बातचीत करते हैं, फिर मिलते हैं अपन। गांव है, हरियाली है, खेती किसानी है, साथ में एक प्यारा सा कुआं भी है। ये है सुंदर सा कुआं, बहुत गहरा भैया, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो। नहीं मोबाइल नहीं गिरेगा। अनुराग कैसा लग रहा है यार, है ना? लेने का मन कर रहा था। सही में यार, मेरा भी। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं दादा, इतनी अच्छी चीज पाने के लिए थोड़ा मच्छर से भी संघर्ष कर लेंगे। ये भैया है अपने, भैया आपका नाम? ये राकेश भैया है, और इनसे थोड़ा मिलते हैं। हेलो, अच्छा लगा, काफ़ी सॉफ्ट नेचर के लोग हैं, मज़ा आया इनसे मिलके। और थोड़ा इनके खेत का मुआयना करते हैं, काफ़ी सुंदर जगह है।
और मेरे साथ पीछे पीछे आ रहे हैं सबके सभी की सभी लोग, अनुराग भाई भी आ रहे हैं, धीरू भाई भी आ रहे हैं, थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं और एक नई चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। घास खाने वाला कुत्ता देख सकते हैं आप, प्योर वेजिटेरियन। और शाहरुख खान बन रहा है तू खेत में, अरे क्या जन्नत है यार, देखो भाई सच में दिल खुश कर दिया जगह देख के यार। क्या सोचते हो डेविड, ये एक जमीन ले लेंगे अपन भी? अरे यार इतना पैसा दिया होता ऊपर वाले ने तो मजा आ जाता वाला फाड़ खरीद लेंगे मतलब सामने वाला। जो अभी लगाया है इन लोगों ने, गेहूं की फसल लगाई है अभी फिलहाल, और इस तरफ अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे अभी अभी मूली की खेती थी उसको ख़त्म किया है, मूली वगैरह निकाल के बेच दी है शहर में, और उस तरफ लगाई उन्होंने गोभी और धनिया, उस तरफ भी चल के दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ से चलते हैं, काफ़ी अच्छा लगा मामा जी से मिलके हम लोगों को, राकेश भाई से मिलके, हमारे राकेश भाई है ना, हाँ राकेश भाई से, मामा जी मिलते हैं फिर आएंगे दोबारा ना। तो अब जा रहे हैं हम लोग महादेव मंदिर के लिए पहाड़ के ऊपर, आइए। चले अनुराग, चलो चलो तो पहाड़ के लिए निकल गए हम लोग महादेव मंदिर के लिए, राकेश भैया हमें गाइड कर रहे हैं और पूरी टीम हमारे साथ है, धीरू और अनुराग भी पीछे पीछे चल रहे हैं। ये बहुत सुंदर गांव है देख सकते हैं आप लोग, इन गलियों में से होते हुए हम लोग मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये है गांव की प्यारी प्यारी गलियां, हम लोगों को जाना है इस तरफ से। राकेश भैया हमारे आगे आगे चल रहे हैं दिखाने के लिए, बढ़िया सी जगह। एक भैंस में हाँ, गांव वाले बहुत अमीर होते हैं यार, है ना, मेहनत करके बनते हैं। तो गांव वाला देखिए गाइस, फिर शहर वाला गांव वाला। क्या जबरदस्त जगह है यार, मजा आ गया अनुराग है जंगल में। खड़ा हो गई यार पैदल चल चल के, पहुंच गए हैं हम लोग, अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्या हो गया पप्पा भैया, मजा आ गया? ये है दोस्तों मंदिर का प्रवेश द्वार, चलते हैं अंदर। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, आपको अंदर चल के दिखाते हैं किस तरह बनाया गया था, किस तरह की साज सज्जा है।
दोस्तों अगर आप सोमवार को आते हैं तो सोमवार को इस तरह का आपको सुंदर सा देखने को मिलेगा, किस तरह से सजाया गया एकदम फूलों से। ये राकेश भैया ने अपने मोबाइल में कैप्चर करके रखा था। इस तरह का दीवारों पे थोड़ी कलाकृति है यहाँ पे मंदिर के, काफी पुराने जमाने का मंदिर है और बहुत सुंदर है। और चलो आपको उस तरफ का नजारा दिखाता हूँ कि ये ऊंचाई से नीचे का वातावरण कैसा दिखता है। ये है हनुमान जी की प्रतिमा, कितने अच्छी तरह से इसको सजाया गया, पूरा कांच का डेकोरेशन करके। तो मंदिर तो काफी अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत शांति है, आप लोग आ सकते हैं, पर कोशिश करें सोमवार को आने की। सोमवार को आने से काफी भीड़ भाड़ रहती है और जो शिवलिंग है उसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है। अब हम लोग पहुँचे हैं मंदिर के जस्ट दीवारों के किनारे, यहाँ से आपको पूरे गांव का दर्शन कराएंगे, किस तरह की हरियाली और कितना अच्छा मनमोहक दृश्य है यहाँ से देखने को। यह है नज़ारा। यहाँ पहुँच के बहुत ही दिल को आनंद मिला है, काफ़ी अच्छी जगह है, चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको हरियाली देखने को मिलेगी। तो मैं आपको अंत में यह कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप वीडियो पे नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्त यारों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पे अभी हम लोगों को एक बावड़ी देखने को मिली है और कुछ इतिहास से जुड़ी है इस बावड़ी की कहानी। तो पहले तो बावड़ी दिखाता हूँ फिर उस कहानी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये है वो बावड़ी, कुआ टाइप का है काफ़ी बड़ा, करीब से जाके इस तरह से आपको देखना देखने को मिलेगी, काफ़ी गहरी है। ये कबूतरों ने इसके अंदर डेरा लगा रखा है। ये है बावड़ी। अब बताता हूँ इसके इतिहास के बारे में। बावड़ी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के गांव वालों का कहना है, कुछ समय पहले एक लड़की ने इसके अंदर सुसाइड किया था। 3 दिन बाद जब उसको यहाँ पे ढूंढने आए, उसको गिरते हुए कुछ लोगों ने देखा था, ऐसा कहना है। उन लोगों ने जाके गाँव वालों को बताया कि किसी लड़की ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, यहाँ खुद गई है। तो घर वालों ने उतना अच्छा ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया उस बारे में, मतलब तुरंत तत्काल उस वक्त नहीं आए, वो कुछ दिन बाद आए, ऐसा बोलना है यहाँ के लोगों का, गांव वालों से सुनने में आया हम लोगों को। तो जब आके यहाँ देखा गया तो बावड़ी के अंदर जब झांका तो लड़की नहीं दिखी। तो पानी काफ़ी थोड़ा ऊपर तक था, पत्थर डाला पानी के अंदर, तो साइड में कोने में एक जगह है वहाँ से हाथ हिलता हुआ दिखा। तो लोगों ने देखा कि वो लड़की जीवित है, उस लड़की को चारपाई वगैरह और रस्सियों से बांध के बाहर निकाला। जब उस लड़की से पूछा कि क्यों सुसाइड किया, कैसा क्या था, तो उस लड़की ने सुसाइड के बारे में नहीं बताया, पर ये ज़रूर बताया कि जब वो कूदी थी तो कूदते समय उसको किसी ने पकड़ लिया था और 2 दिन वो उनके साथ रही अंदर। मतलब ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं इस बावड़ी को लेकर, लोग बताते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर सुनने को मिली हैं। तो आज जो भी यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है मेरे को, वो आप लोगों तक मैं साझा कर रहा हूँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना क्या है उस विषय में मैं कुछ जज नहीं करूँगा, क्योंकि कई लोग इससे फीलिंग भी जुड़ी हुई है। तो
इतना ही बता पाऊंगा मैं आज के इस ब्लॉग में आपको। तो गाइस हम लोग चलते हैं, अब हमारा चलने का समय भी हो गया क्योंकि सुबह से निकले हैं, मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं। और अगर ये वीडियो और ये ब्लॉग आपको आज पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने वीडियो इस वीडियो को अपने दोस्त यारों में शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।